हेलो दोस्तों, आज हम एनक्स स्टूडियो के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो एनक्स स्टूडियो प्रोटॉन है और जिस एम्पलीफायर के बारे में हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं वो है MT1601 के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो भी नए यूज़र्स हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये MT1601 ये एनक्स स्टूडियो प्रोटॉन का एम्पलीफायर है और इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है आउटपुट कितनी की देती है इसमें और इसका फ्रंट साइड में क्या क्या दिया हुआ है और इसमें किस तरह की क्या आउटपुट होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसका फ्रंट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि MT1601 सबसे बीच में ही इसमें दिखा हुआ है और प्रोटॉन इसके जस्ट ऊपर में ही है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड में एनएक्स स्टूडियो का होलोग्राम दिया हुआ और दूसरी साइड में ऑन ऑफ स्विच है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या इंडिकेटर लाइट दी हुई है। तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ, यहाँ पर अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग को जो इसमें प्रोटेक्शन लाइट ऑन हो जाएगी। लिमिटर दिया हुआ है, अगर अधिक से ज़्यादा अगर हम लोग दे दें इसमें वॉल्यूम खोल दे तो इसमें जो है लिमिटर की जो है लाइट जलेगी। सिंगल दिया हुआ है, इसमें जो गाना वाना बजाएंगे तो यही लाइट जलेगी जिससे हम लोग को सिंगल का पता चलेगा। पावर इंडिकेटर दिया हुआ है, इसमें हम लोग मशीन को ऑन करने का टाइम पे चैनल ए और चैनल बी का दोनों की जो है लाइट ऑन हो जाएगी, इससे हम लोग पता चलेगा कि दोनों चैनल जो है ऑन हो गई है। और सबसे लास्ट में हम लोग को देखने के लिए मिल जाती है दोनों का चैनल ए और चैनल बी का वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए इसमें जो वॉल्यूम बटन देखने के लिए मिल जाती है। तो इससे हम लोग जो है वॉल्यूम अपना अपने हिसाब से जो इसको हम लोग कर सकते हैं। और इसका जो बैक साइड में फ्रंट से दिया हुआ है आप लोग भी देख सकते हैं कि बैक साइड में इसका फ्रंट सबसे पहले देखने के लिए मिल जाती है दो कूलिंग फैन जो कि सभी एम्पलीफायर में होती है। और इसमें जो है आउटपुट के लिए स्पीकॉन दी हुई है और इसमें भी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि एनएक्स स्टूडियो के जो होलोग्राम इसमें भी है और प्रोटॉन जो है इसमें लिखा हुआ है। तो इसी तरह से सीरीज करने के लिए दो जो है इनपुट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। XLR से भी हम लोग कर सकते हैं और इसको आप लोग जब लीजिएगा उस टाइम आप लोग को जो बहुत सारा इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। और चलिए और अब इसमें देखते हैं कि फ्रेंड्स इसमें जो आउटपुट किस हिसाब से इसमें देखती देती है। तो आउटपुट के लिए हम लोग को इसमें आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगी 2 ओम पे 3000 वाटेज की एक चैनल पे, यानी कि 3000, 3000, 6000 वाटेज की दोनों चैनल से हम लोग को 2 ओम पर आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगी। 4 ओम पर जो इसका आउटपुट होती है वो 2250 वाटेज की आउटपुट होती है, ये 4 ओम पर होती है। और 8 ओम पे फ्रेंड्स होती है 1700 वाटेज की एक चैनल पे आउटपुट होती है, चैनल ए और चैनल बी में 1700 करके आउटपुट मिलेगी आपको 8 ओम पे। और ब्रिज मोनो मोड में इसमें 2 ओम पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी 4200 वाटेज की आउटपुट, टोटल आउटपुट होती है इसमें ब्रिज मोनो मोड की में 2 ओम पर। और 4 ओम पर आउटपुट इसका जो होती है 5200 वाटेज की, ये 4 ओम पर आउटपुट होती है और इसमें 8 ओम पर आउटपुट नहीं होती है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो और जितना भी हो सके फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूँ।